हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं, काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि मतलब SP 125 को क्या हम पहाड़ों पे चला सकते हैं। मतलब जैसे मेरे को कई भाई मतलब हिल से बिलोंग करते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये कन्फ्यूजिंग थी कि क्या इस बाइक को हम पहाड़ों पर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो गाइस, मतलब मैं भी मतलब हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, पहाड़ी एरिया में मैं भी काफ़ी इसको यूज़ करता हूँ, तो ओवरऑल मुझे पहाड़ों में चलाने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ, एवरेज का थोड़ा बहुत इशू रहता, मतलब इशू नहीं बोल सकते उसको, मतलब जैसे आप अगर एक्सपेक्ट करते हो हाईवे और सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको वैसा एवरेज नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कम भी नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, हम चलते चलते बात करते हैं, और साथ में ये तो यार पता क्या सीन है, अगर मान लो आप अकेले राइड कर रहे हो सिंगल विदाउट पिलियन, तो आपको मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं है, मतलब पावर भी अच्छी खासी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी मतलब ऐसा आपको पावर की कुछ कमी लगे। लेकिन अगर आपके पीछे अगर पिलियन बैठा है हैवी, तो आपको थोड़ा सा पावर में ड्रॉप मिलेगा कि नहीं यार थोड़ी पावर आपको कम मिल रही है। लेकिन अगर आप सिंगल चला रहे हो, तो सिंगल के लिए यार बेस्ट है। जैसा मतलब आप ये देख लो कि मतलब सिटी और हाईवे पे चलती है, वैसे आपको यहाँ पे हिल्स में भी आपको वैसे ही फील देगी बाइक। मतलब काफ़ी मतलब फन टू ड्राइव है, एक तो लाइट वेट है, ऊपर लीन लून करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और यार इसका इंजन मतलब काफ़ी स्मूथ है यार। मतलब सीन पता क्या है, जैसे मैं मतलब अगर आप 125 सीसी के सेगमेंट में अदर बाइक्स को देखो, तो उनमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली 60-70 भी चल रहे हो, तो मतलब बाइक मतलब स्मूथ चलते हैं। लेकिन जैसे आप 60-70 से ऊपर जाते हैं, मान लो 80 भी जा रहे हो, 100 के आसपास चला रहे हो, तो इस बाइक के अकॉर्डिंग मतलब अदर बाइक की बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी मतलब हैवी सी हो जाते हैं, उनके एक्सेलरेशन और मतलब वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका क्या सीन है कि इसको आप नॉर्मली चला रहे हो 65-70 पे, तो भी नॉर्मल चलेगी, लेकिन जैसे आप इसको 80 पे लेके जाते हो, 90 भी लेके जाते हो, 100 के आसपास चलाते हो ना, तो बाइक पता नहीं भाई ऑटोमेटिकली मतलब इतनी स्मूथ हो जाती है ना। मतलब मैं अगर कंपेयर करूँ, मतलब जैसा ये 50-60-70 पे चलती है, उसे कहीं ज़्यादा अगर आप इसको हाई स्पीड पर चलाते हो ना, तो वहाँ पर जी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको चलाया, नॉर्मली ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, हाई स्पीड पे कम ही चलाता हूँ, जहाँ भी मतलब हो कि हाँ भी यहाँ पे हम इसको भगा सकते हैं, तो मतलब काफ़ी स्मूथ चलती है यार। मतलब ये इसका इंजन इतना रिफाइंड है ना, मतलब 80-90 भी आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप इसको इतनी स्पीड से चल रहे हो, मतलब इसके एक्सेलरेशन एकदम से स्मूथ हो जाती है। और आपको तो पता ही यार, मतलब होंडा के इंजन में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, वैसे ही इसमें भी है। हाँ, इस पर क्या होता है कि मान लो आप हिल एरिया में चला रहे हो, तो जैसे आपको कहीं पास वगैरह लेना है, तो थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ता है। मान लो अगर 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी चल रही हैं और वो आपको पास लेना उनसे, तो थोड़ा सा आपको पावर की ड्रॉप लगती है, मतलब हिल की बात करो, बाकी ओवरऑल तो अच्छी चलती है यार। लेकिन इसका पता कि मेरे को थोड़ा टायर का लगता है, कई बार अगर स्पीड पे स्पीडिंग कर रहे हो ना, 80-90 भी चल रहे हो, 60-70 पे अगर आप कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे, तो आपको थोड़ा ना टायर के करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको लूज़ होता है कि नहीं यार अगर कहीं एकदम से कट मारना पड़ जाए, कहीं सडनली आपको ब्रेक लगानी पड़ जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद जैसे इसका टायर थोड़ा सा घिस जाता है, तो उसके बाद मैं इसको अपग्रेड करूँगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको 100 सेक्शन में लेके आऊँ, 80 सेक्शन का जो उसका रियर वाला टायर है, उससे यार एवरेज का थोड़ा ड्रॉप तो होगा, लेकिन ये है कि आपको सेफ्टी अच्छी मिलेगी, और यार मतलब आपको चलाने में कॉन्फिडेंस भी अच्छा मिलेगा। बाकी मज़ा आता है यार चलाने में, आप हिल पे चलाओ, हिल्स पे भी काफ़ी मज़ा आता है। चक्कर क्या है कि मतलब आपको पता यार 118 केजी की बाइक है, तो लीन वगैरह करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब पिलियन के साथ हो, तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ यार मतलब ऐसा लग रहा है कि पावर की थोड़ी ड्रॉप मिल रहा है आपको।
बाकी मैं अगर हिल्स के ऊपर भी एक यहाँ के हिसाब से एवरेज का एक वीडियो बनाऊंगा थोड़े टाइम बाद भी, अगर आप चाहते हो कि मैं वो आपको हिल्स के अकॉर्डिंग आपको इसका मैं एवरेज वाला वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर होगा तो मैं इन फ्यूचर इसकी एक मतलब एवरेज की वीडियो लेके आऊँगा कि आपको मतलब हिली एरिया पहाड़ी रास्तों पर ये कैसी एवरेज देती है। बाकी यार मज़ा आता है चलाने में, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसा लगे कि आप हल्की बाइक चला रहे हो, पर बाकी तो आपको पता है यार इन रास्तों पे आप ज़्यादा बाइक भगा नहीं सकते हो, आपको हर मतलब 100 मीटर के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, तो आप इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ते भी नहीं हो, तो उस हिसाब से तो मतलब यहाँ के एरिया के हिसाब से बढ़िया बाइक है ये। और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है यार इसकी, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप अगर SP 125 ले रहे हो ना तो इसमें जैसे आपको पता है कि दो वेरिएंट आते हैं, ड्रम और डिस्क वाला वेरिएंट आता है, तो आप प्लीज़ यार ड्रम वाले को अवॉइड करके डिस्क वाले को प्रेफरेंस करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है यार इसकी। मतलब कॉन्फिडेंस आता है चलाने में कि आपको पता है यार कि आप स्पीडिंग भी कर रहे हो ना तो बाइक रुक जाती है आराम से। तो भाई जो मेरे भाई अगर हिली एरिया से हैं और इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं तो भाई ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसको लेने में, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि यार काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है कि पावर की कमी लगे या कुछ ऐसा कि चलेगी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चलती है यार। मेरे माइंड में भी ये चीज़ पहले थी कि यार क्योंकि इससे पहले मेरे 125 थी नहीं मेरे पास, मेरी ये पहली 125 सीसी की बाइक है, इससे पहले मेरे पास 155 या 150 की बाइक थी, तो उनमें क्या होता कि आपको पता है यार 150 सीसी के इंजन में तो इतनी दिक्कत आते नहीं है हिली एरिया में, लेकिन 125 और 100 सीसी के इंजन पर अगर आप आते हो तो आपके माइंड में थोड़ा सा ऐसे डाउट रहता है कि इसको क्या हो गया पीछे लगता है इसको भी हमारे बाइक को ज़्यादा पसंद आ गई है। तो मैं बोल रहा था कि अगर आपके माइंड में ऐसा अगर क्वेश्चन है कि यार नहीं आप हिली एरिया में आपको दिक्कत आएगी या आप लेकर बाद में परेशानी आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं यार, मज़ा आता है चलाने इसको। और अकॉर्डिंग टू फ्यूल प्राइस अगर देखें ना तो यार आज के टाइम पे आपको पता ही है अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा तो आप तो 200 सीसी 250 300 पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ये कि डेली रनिंग आपकी कुछ ज़्यादा है तो और आपको पावर भी चाहिए और एवरेज भी चाहिए तो उस हिसाब से तो यार ये बेस्ट है मेरे ख्याल से। पर आपको पता ही यार 125 सीसी के प्राइस भी आजकल कहाँ जा रहे हैं, जो नई बाइक्स आ रही हैं उनके मतलब फीचर्स तो वो दे रही हैं लेकिन प्राइस उनके मतलब काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, तो यार सीन पता क्या है, मान लो आपने 125 सीसी इंजन लेना है तो उसके लिए आप यार इतना ज़्यादा मतलब पैसे देने का मतलब बनता नहीं है मेरे ख्याल से, अगर मैं सोचूं, क्योंकि मतलब जो फीचर आपको दिए जाते हैं ना कि 125 में आपको ये फीचर दिए जा रहे हैं यार मतलब काफ़ी मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी बाइक को, लेकिन मैं इसे नॉर्मली बोल रहा हूँ, तो सीन क्या होता है कि यार रियल लाइफ में वो सारे फीचर यूज़ नहीं करते हो, चलना तो आपको नॉर्मली है ना, मेन तो चलाने आपको बाइक है, एवरेज और बाइक के मजे लेने चलाने में, फीचर तो चलो कभी कभार काम आते हैं, तो उस हिसाब से तो यार सफिशेंट है जितने इसके अंदर फीचर दिए जाते हैं ना उस हिसाब से तो मतलब सही है। अभी इस बाइक की बात करूँ तो इसकी अभी पहली ही सर्विस हुई है, सेकंड सर्विस आई थिंक इसकी नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी जो 5500 किलोमीटर के बाद होती है, पहली सर्विस तो इसकी मतलब 1000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, तो ये 5000 किलोमीटर होने वाली है, ये आई थिंक नेक्स्ट वीक तक इसकी सर्विस हो जाए। बाकी अगर मैं इसके लाइट्स की बात करूँ तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाई थी,
लास्ट वीक बनाई थी मैंने एक वीडियो, तो लाइट्स की थ्रो भी काफ़ी अच्छी है। अगर मतलब मैं यहाँ की बात करूँ, अगर हिल एरिया के यहाँ पे के ऊपर बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी लाइट की, तो उसके अकॉर्डिंग तो सही है यार, मतलब सफिशेंट है अच्छी लाइट से इसकी। आपको देखिए मतलब सारा LED सेटअप है, तो जितनी ज़रूरत है उस जरूरत के हिसाब से अच्छी मतलब ये थ्रो देती है। मतलब जो हिल एरिया के मेरे भाई हैं कुछ, अगर उनको अंदर डाउट है कि ये कितना एवरेज दे रही, क्योंकि ऐसे तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना एवरेज दे रही, मैं भी टैंक टू टैंक देखता हूँ, तो मेरा हिल और हाईवे और सिटी का अंदर ही ड्राइव रहती है, मिक्सअप रहता है, तो मैं आपको प्रॉपर बता नहीं सकता हूँ। अगर आपको इसके ऊपर अगर अलग से वीडियो चाहिए कि भाई प्रॉपर हिल एरिया में ये कितना एवरेज देती है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तो आप उसके लिए ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि अगर आपको इसकी अलग से वीडियो चाहिए तो। और यार 125cc का फायदा ये है कि ये आपकी जेब के ऊपर ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ती है, जो मेरे को इसकी पहली अभी तो फ्री सर्विसिंग है, इसकी चार सर्विस आपको पता ही है होंडा की मतलब फ्री मिलती है, तो पहली सर्विस जो इसकी थी वो मतलब ऑयल के ही पैसे लिए गए थे, 500 रुपये वो लिए गए थे, तो चार सर्विसें इसकी 500 की रहेंगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो आई थिंक 700 से 700 और 750 के बीच में रहेगी इसकी सर्विसिंग। और यार वाइब्रेशन तो जीरो है यार, मतलब जो मेरे भाई चलाते हैं उनको भी पता होगा, और जिन्होंने आगे कभी चलाई भी है तो उन लोग वो जानते होंगे यार इसमें मतलब वाइब्रेशन तो मतलब ना के बराबर है, थोड़े बहुत है पर इतने ज़्यादा है नहीं है। नॉर्मली मैं इसको मतलब 55 और 60-65 के बीच में चलाता हूँ, लेकिन कभी कभार दिल करता कि नहीं यार थोड़ा, जैसे आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको पता ही यार हाईवे पे मतलब मन करता है कि थोड़ा भगा लें खाली रोड देख के, तो वहाँ पे यार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। हाँ लेकिन एवरेज का थोड़ा ड्रॉप मिलता है यार, जितना ज़्यादा बाइक को भगाओगे तो पता ही है यार आपको एवरेज तो थोड़ा कम उस पर मिलेगी, लेकिन मज़ा आता चलाने का। हॉर्न मैंने इसका चेंज करवाया था क्योंकि जो पहले था वो काफ़ी छोटा हॉर्न था, तो आपको पता है यार ऐसे आप मतलब पहाड़ी रास्तों पे चल रहे हो ना, तो वहाँ पे अगर आप छोटा हॉर्न मारते हो तो सामने वाला कैसे पता कैसे ना वो थोड़ा सा आवाज़ देता है, तो कई बार मतलब ऐसा डर सा लगता है कि नहीं यार थोड़ी जगह में आप कैसे निकालोगे। बड़े हॉर्न का फ़ायदा ये है कि आप बड़ा हॉर्न जैसे लगाते हो, वो देखो वो अभी दोबारा फिर पीछे भागेगा, ये देखो रेडी हो गया वो भागने के लिए, लेकिन मैं धीरे चलूँगा आ गया ना ये वेट कर रहा था मेरे आने की। तो कभी भी अगर ऐसा हो ना कि अगर कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है तो बाइक को स्लो कर दे, भगाए ना, क्योंकि भगाते टाइम हलचल में आपके से ऐसा होता है कि कई बार बाइक गिर जाती है, तो भगाने का नहीं है, वो भी आपसे डरेगा अगर आप रुकोगे ना। तो काफ़ी मेरे बाइकें करते हैं, जैसे मान लो कोई कुत्ता वगैरह बाइक के पीछे भाग रहा है तो वो और तेज़ भगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कभी गिरने गुरने का डर रहता है। बाकी ओवरऑल बाइक में कोई कमी है नहीं है, मतलब ज़्यादातर कोई कमी नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आप उनको एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है बाइक में। अगर कोई और डाउट आपके अंदर रहता है, कोई और क्वायरी रहती है, तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर आपको कर दूंगा। और आपको पता है यार होंडा की बाइक्स काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं इनके इंजन, मतलब देखा जाए ना तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो गाइस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी क्वेरी जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके अंदर अगर है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कर दूंगा। जैसे कुछ बातें अगर छूट जाती हैं मुझसे या आपके अंदर कुछ और डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।